वक्त आपके सामने एक फौजी से रिलेटेड कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे मौका दीजिएगा। इस वक्त, इस लम्हा, इस पल, आज हम सब इस महफिल में बैठे हैं, वहाँ कोई सरहद पे हमारी रक्षा के लिए बैठा है। इस वक्त, इस पल, इस लम्हा हम इस महफिल में बैठे हैं, वहाँ सरहद पे कोई हमारी रक्षा के लिए बैठा है। मैं उस फौजी की कन्वर्सेशन बताना चाहती हूँ आपको, जो अपने दुश्मन से कहता है, कहता है, दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। मेरे आज सर कितना फटा जा रहा है, सुबह सुबह किटी पार्टी से आने के बाद पूरा हालत खराब हो जाता है। Oh my God, I'm so tired. Good morning, Dad. Good morning. Good morning, Mom. हाँ बेटा, good morning. मामा मुझे नाश्ता बना के दो ना। बेटा भाई को बोलो ना। मामा आज वो काम पे नहीं आई है। Oh my God, पूरा दिन मेरा बर्बाद जाएगा। बेटा प्लीज, मैं बहुत टाइम। मामा मुझे बहुत भूख लगा है। बेटा प्लीज, आप किसी और से, देखो ना, पापा से बात करो प्लीज बेटा। हाउ अनलकी आई एम, मेरी मम्मा तो मेरी परवाह ही नहीं करती है। Now, 3 second. तुम्हारा कल बर्थडे है? यस डैड, आप भूल गए? ओह सॉरी सॉरी सॉरी।
अच्छा डैड हम कल कहाँ घूमने जाएंगे? हाँ मिसेस मेहता, बोलिए। बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास। ओ डैड, आपकी तो हमेशा ही मीटिंग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल आ रही हूँ सेलिब्रेशन के लिए। जी जी जी, एक काम करो, पैसे लो ये। ओके, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना। डैड मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए डैड, मुझे सिर्फ आपका टाइम चाहिए। बेटा तुम्हें पता है मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है कल। ओ आप तो हमेशा ऐसे बोलते हो डैड। मामा बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको? सुनो ना मामा, आओ ना एक मिनट। अच्छा बोलो क्या बात है आपको, क्या काम है? मामा डैड को बोलो ना कहीं घूमने चलते हैं, कल मेरा बर्थडे है। बेटा कल मैंने ना किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो उसमें मुझे होना चाहिए ना। मामा हमेशा किटी पार्टी रहता है ना, कल मेरा बर्थडे है ना। बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, डैड से अपने पैसे ले लो। नहीं मामा मुझे घूमने जाना है। बेटा वी आर सो रिच, आपको फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसी रिश्ते कैसे मामा। अच्छा डैड एक बात पूछूं, आप कितना अर्न करते हैं एक दिन में? बेटा तुम्हें पता है मैं बिजनेस करता हूँ, मैं 5,000-10,000 कुछ भी हो सकता है वो तो। एक मिनट रुको डैड, मिंत्रा में क्या अच्छा अच्छा वो आए हैं। डैड ये सारे पैसे रख लो डैड, कल की पार्टी के लिए मैं न्यू ड्रेस ऑर्डर करती हूं। प्लीज स्पेंड करो डैड। नहीं बेटा सॉरी। प्लीज डैड, मेरी कोई केयर नहीं करता, आई एम सो अलोन। मम्मा प्लीज डैडी को बोलो ना। बेटा सॉरी ना बेटा, आई एम बिजी। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। Nobody cares me. अगो देवा, कल मेरी बिटिया का जन्मदिन है, आपको तो पता ही है। अब जितना मुझसे बन करता है उतना मैं कर पाती हूँ। देवा मेरा कक्षा करो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करूँ, कल उसका जन्मदिन है। देवा मुझको शक्ति दो और उसके लिए मैं जितना कर पाती हूँ, और आपका जो सपना है कलेक्टर बनाने का उसको मैं कर सकूँ। भगवान करे मैं कल उसके जन्मदिन पर कुछ ना कुछ कर सकूँ। एक बार देख लेती हूँ। हेलो मिसेस मेहता, आप आ रही है ना किटी पार्टी में? या हाँ हाँ, आज कार्ड तो है ही, प्लीज। या हाँ हाँ प्लीज आप आइए ना। ओके ओके बाय, सी यू। वो कितने अरेंजमेंट करने हैं देखती हूँ मैं। रामू यस मैम, और हमारा लोन लगाया हो रामू, सही था? यस मैम। कल तो मैंने सुना है आपको लग रहा है। आइए आइए, हैव अ सीट। थैंक यू। मेरे बैग तो नहीं लगा। So, I'm fine. Okay. Then, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ओके देन आज कार्ड है मेरे पास, ठीक है? मैंने कार्ड मंगवाए थे। कोल्ड्रिंक्स कुछ तो लेंगी ना आप? रामू प्लीज ड्रिंक ले आओ। वो आपको पता है मिसेस मेहता का जो डायमंड था ना, ड्रिंक्स दो, सर्व करो। थैंक यू। हाँ क्या बता रहे थे आप मिसेस मेहता का? मिसेस मेहता ने जो डायमंड पहना था ना वो नकली था।
सीरियसली लोग शो ऑफ करने के लिए क्या क्या करते हैं, उन्हें छोड़िए। वैसे भी आप अपनी कार्स देखिए, वैसे अपने बेड कितने में लगाने की सोची है? मामा देखो मैंने प्राइस जीता मामा। ओके बेटा गुड, प्लीज जाओ रेस्ट रूम में रेस्ट करो। मैंने प्राइस जीता बेटा, जाओ प्लीज, वी आर बिजी ना, आप रेस्ट करो। मामा को खुशी नहीं हुई? बेटा मुझे बहुत खुशी हुई, पर आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हो ना, प्लीज जाओ ना। क्या मामा, हमेशा किटी पार्टी? नहीं चाहिए मुझे ये प्राइस। जिंदगी से कैसे माँ बाप है मेरे, मेरी खुशी में इनको खुशी नहीं, मेरे गम में इनको गम नहीं, सारा दिन किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल, ऐसी मेरी भी किस काम की, किस काम की है मेरी पैसा एंड ऑल दिस थिंग्स, कार्स एंड ऑल। थक चुका हूँ जिंदगी से, नहीं रहना चाहता मैं ऐसे घर में, कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ ऐसी जिंदगी से। इससे तो अच्छा हमारे गंगू भाई हैं, वो अपनी लड़की के लिए छुट्टी लेती है, उन्हें टाइम देती है, और मेरे माँ बाप उनके लिए, मेरे लिए 5 मिनट का वक्त ही, ऐसे माँ बाप न होने से तो गंगू बाई अच्छी है, अकेली है, विधवा है, उसके बावजूद भी माँ और बाप दोनों का प्यार देती है, लेकिन मैं कितना अभागा हूं मैं। स्कूल से आया है कि नहीं? ओहो, पता नहीं कहाँ रह गया। माय गॉड, इसको क्या हुआ है? सेट, बेटा सेट, क्या हुआ है आपको? क्या हो गया इसे? मैं उन्हें फोन करती हूँ। हेलो, आप जल्दी आइए ना, सेट को कुछ हो गया है। मैं मीटिंग में हूँ ना। प्लीज आप जल्दी आइए ना, मीटिंग छोड़िए प्लीज, कुछ हो गया है, मेरा इकलौता बेटा है, प्लीज आप जल्दी आइए। ठीक है मैं आता हूँ। सेठ, बेटा क्या हो गया आपको? उठो ना बेटा। क्या हुआ इसे? मुझे नहीं पता, देखो तो आप प्लीज, इसको कुछ हो गया है। ध्यान नहीं रख सकते एक बच्चे का? ये सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं है, आपका भी बेटा है, आप प्लीज। हर चीज में तुम्हें बहाना ही चाहिए होता है। आपको सिर्फ मुझे, मेरी सिर्फ गलती दिखती है, आपको अपनी गलती नहीं दिखती है? नहीं पता। अरे आप बेटे को देखो ना, आप अभी भी मेरे साथ ही बहस कर रहे हो बेटा। सिद्ध बस खत्म, Thank you.
मुझे डिस्ट्रिक्ट में अव्वल नंबर पाने से मुझे बहुत खुशी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैं अपनी जीत का श्रेय पूरी अपनी माँ को देना चाहती हूँ, जिसने मेरे बाप के ना रहते हुए पूरा फर्ज अदा किया, मेरे बाप की पूरी कमी पूरी की। आज मैं अपना पूरा श्रेय अपनी माँ को देना चाहती हूँ, जिसका मेरा पूरे ऊपर आशीर्वाद रहा। और मैं माँ अपनी माँ की बहुत बहुत आभारी रहूँगी, जिसने जिसके आशीर्वाद से मुझे अव्वल नंबर मिला। ओके थैंक्स। नमस्ते नमस्ते। सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे का उस विधाता की पहचान है।